Om Shanti. Jab jab Atma Bhagwan se dur hui hai, Maya ne use ghera hai, Vikaron ne use pakda hai, Manmat, Parmat, Janmat ka vaar hua hai, Vikarm hue hai, पाप हुए और जितना समय आत्मा परमात्मा के समीप है खुश है श्रीमत पर है मर्यादाओं में जैसे ही भगवान से दूर हो जाती है उदासी छा जाती है दुख आ जाता है विकर्म और फिर पश्चाताप समय वेस्ट हो जाता है क्या ऐसा करें जिसमें सारा दिन सारी सेवाएं करते हुए दिनचर्या की व्यस्तता में यहां वहां घूमते हुए चलते हुए फिरते हुए भगवान समीप है साथ है ये अनुभव क्लास सुनते हुए क्लास कराते हुए ज्ञान सुनाते हुए ज्ञान सुनते हुए बातचीत करते हुए बोलते हुए स्थूल सेवा करते हुए सोते हुए जागते हुए क्या किया जाए जिससे बाबा मेरे समीप है ये अनुभव भिन्न भिन्न अभ्यास किए जा सकते हैं सबसे पहला अभ्यास बीच बीच में दिनचर्या में बाबा को देखना पहला अभ्यास बाबा को देखना यदि कहीं फोटो है ट्रांसलाइट है तो उस ट्रांसलाइट को देख लेना और बाबा से किरणें ले लेना अगर कहीं नहीं है तो जहां पर भी प्रकाश का स्रोत है ट्यूबलाइट बल्ब ट्रैफिक लाइट या और कोई लाइट उस लाइट को देखना और अनुभव करना कि शिव बाबा की किरणें मुझ में उससे आ रही है जो जो प्रकाश दिखाई दे जहां पर भी अनुभव करना कि बाबा का प्रकाश मुझ में उससे आ रहा है और यदि ऐसा कुछ भी नहीं फिर भी देखना बीच बीच में मन की आंखों से दूसरा अभ्यास व्यस्त दिनचर्या में बीच बीच में बाबा को धन्यवाद देना क्या करेंगे शुक्रिया थैंक यू कहीं जा रहे सेवा की सेवा शुरुआत से पहले थैंक यू सेवा के बाद थैंक यू ये दूसरा अभ्यास तीसरा अभ्यास बाबा का आह्वान करना सारे दिन भर में कई बार बाबा को कहना बाबा आ जाओ बाबा आ जाओ
आ जाएगा। किचन में सेवाएं कर रहे, भोजन बना रहे, बाबा को कहो आ जाओ। गाड़ी चला रहे, बाबा को कहो आ जाओ बाजू में बैठो। ऑफिस में है, बाबा को कहो आ जाओ सामने सीट खाली है वहां बैठो। सेवाएं कर रहे, भाषण दे रहे, बाबा को कहो बाजू में बैठ जाओ, अगर कुछ भूल जाओ तो याद दिलाना। चौथा अभ्यास, उसकी छत्र छाया मुझ पर है, किरणें मुझ में आ रही। कहीं पर भी जा रहे, कहीं पर भी घूम रहे, चाहे सेवा केंद्र, घर, ऑफिस, बाबा आ जाओ। और अनुभव करना, वो वास्तव में आ गया, छत्र बनकर, छाया बनकर। अगला अभ्यास, मैं जहां जा रहा हूं, जहां खड़ा हूं, शिव बाबा के फाउंटेन के नीचे हूं, प्रेम की किरणें पड़ रही है, वो फाउंटेन मेरे ऊपर है, उसमें पानी बरस रहा है, आनंद की किरणें, आनंद का जल उस फाउंटेन से निकलकर मुझ में आ रहा है। अगला अभ्यास, शिव बाबा मेरा साथी है, कंपेनियन है, जहां मैं जा रहा हूं मेरा हाथ वो पकड़े हुए, हम दोनों साथ साथ जा रहे हैं। अगला अभ्यास, बाबा मुझे देख रहा है। कितना अच्छा अभ्यास है, मैं जो कुछ कर रहा हूं बाबा मुझे देख रहा है, याद कर रहा है वो, ये कितने महान है, मैंने इनको क्या क्या दिया है, और उस खजाने का ये लोग क्या कर रहे हैं। भगवान मुझे देख रहा है ऊपर से, अगला अभ्यास, बीच बीच में हम उसके पास चले जाएं, मैं आत्मा इस शरीर से निकल सीधा परम धाम पहुंच गई, शिव बाबा को टच किया और वापस आ गई। यह अभ्यास आज सारे दिन भर कई बार करना है, इस शरीर से गई, टच किया, वापस आ गई, गई उसको स्पर्श किया, वापस आ गई। वो पवित्रता का सागर है, उसका एक स्पर्श काफी है आत्माओं को संपूर्ण शुद्ध करने के लिए। मैं आत्मा इस शरीर से निकल कर गई, टच किया, वापस आ गई। अगला अभ्यास, बाप को याद करना और उसके ज्ञान को याद करना। एक मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था, एक है बाप को याद करना, दूसरा है बाप के ज्ञान को याद करना। अगला वाक्य था, बाप को
याद करने से ज्यादा बाप के ज्ञान को याद करने में फायदा है। तो सारी दिनचर्या में आज बीच बीच में रुक के एकदम से याद करना, आज का स्लोगन क्या था, आज का वरदान क्या था, आज के महावाक्य क्या थे, आज का प्रश्न क्या था, चार चीजें याद करना। अचानक से रुककर याद कर लेना क्या था, और भूल गया फिर से देख लो अगला अभ्यास। अपने मोबाइल में कुछ बाबा के ऐसे प्यार भरे गीत भर के रखने और सारी दिनचर्या में ऐसे दो से तीन गीत क्या करेंगे, सुनेंगे। जो गा सकते हैं वो गाए। किसी एक मुरली में अव्यक्त बाप दादा ने कहा था डबल फॉरेनर से, यदि उदास हो जाओ तो बाथरूम में जाके गाना गाना चालू कर दो, बाथरूम में जाके डांस करना चालू कर दो। गाना सुनना, खो जाना, मगन हो जाना। एक है स्थूल डांस करना, दूसरा है ज्ञान डांस करना। किसी एक घर में एक बहुत बड़ा संगीत का वाद्य रखा था, उस घर के किसी व्यक्ति में संगीत में जरा भी रुचि नहीं थी। वो वाद्य इतना बड़ा के बड़ा रखा हुआ था सदियों से, पूछते ही नहीं, धूल जम रही थी किसी उस पर। एक बार घर के लोगों ने सोचा पहले ही घर में जगह कम है, उसमें से ये वाद्य इतनी जगह ले रहा है, दिस म्यूजिकल ऑर्गन, सोचा है अब इसको घर से बाहर कर देते, यहां कुछ दूसरा रखा जाए, वैसे भी कोई काम का नहीं है ये, जो सब मिल के पकड़ के उसके घर के बाहर उसको रख देते, जहां सड़क है वहां पर। थोड़ी देर में एक भिखारी वहां आता है, वो उस वाद्य को बजाना चालू करता है, और जैसे ही वो बजाता है उसके हाथों में जैसे जादू है, ऐसा संगीत, ऐसा मधुर मधुर ध्वनि निकलती है कि सड़क पर चलने वाले इर्द गिर्द के सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं, और वो गीत गाने लगता है, और वो म्यूजिक, वो संगीत बजाने लगता है, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, घर के लोग जिन्होंने वो वाद्य बाहर रखा था वो भी आ जाते हैं, और जैसे ही देखते ये बजा रहा है वो लोग कहते ये हमारा वाद्य है, ये हमको वापस दे दो। वो भिखारी कहता है ये अब तुम्हारा नहीं, ये अब मेरा है, म्यूजिक बिलोंग्स टू द वन हु कैन प्ले इट, जो उसको बजा सकता है ये उसी का है, और सारे लोग जो इकट्ठे हुए वो भी मानते हैं हाँ ये इसी का है, इसी को दिया जाए। ये वाद्य बाबा ने हर एक को दिया है, पर हम कितना बजाना जानते हैं, ये ज्ञान का वाद्य, ये ज्ञान का इंस्ट्रूमेंट, कौन सी ध्वनि निकलती है उससे, कौन से सुर, कौन से ताल, कौन सा साज, कौन सा सरगम, और वो
बजाते बजाते मगन हो जाना। ज्ञान का संगीत, ज्ञान के सुर, जैसे वो संगीतज्ञ खो जाते हैं, उसी तरह इस ज्ञान के संगीत में खो जाना। विदेश में बहुत बड़ा संगीतकार और नर्तक डांसर कभी हुआ था माइकल जैक्सन, उसने लिखा है कहीं पर, जब मैं डांस करता हूं न मालूम ऐसा कभी कभी हुआ है, व्हेन द डांसर एंड द डांस बिकम वन, मुझे ऐसे अशरीरीपन का बीच में अनुभव हो गया कई बार कि डांस करते करते पता ही नहीं चला शरीर है। वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था कि जो भगवान की खोज में था या धर्म का पालन उस तरीके से करता था जैसे धार्मिक लोग, जैसे भक्त। वो कहता है कि when I dance, a stage comes in my life, when the dancer and the dance become one, पता ही नहीं चलता क्या हो गया, एक हो जाता है, जैसे सब कुछ एक दिखाई देने लगता है, जैसे शरीर रहता ही नहीं है। एक लौकिक व्यक्ति स्थूल नृत्य में, स्थूल वाद्य के साथ, स्थूल संगीत में ऐसा खो जाता है, तो क्या हम जो रूहानी नर्तक है, डिवाइन डांसर्स, जो ज्ञान डांस करते हैं, जो ज्ञान का म्यूजिक प्ले करते हैं, इस ज्ञान डांस में, इस डिवाइन डांस में ऐसे खो जा सकते हैं कि जैसे बस एक हो गए इस ज्ञान के साथ? तो ऐसी कुछ विधियां है ये जो हमें बाबा के समीप रखेगी। और ये केवल सुनना नहीं है, करना है आज, आज से। और अलग अलग समय पर अलग अलग विधि, एक एक घंटे में अलग अलग विधि, तब तक जब तक ये आदत ना हो जाए, तब तक जब तक ये अवचेतन मन में ना चली जाए, तब तक जब तक ये हमारा हिस्सा ना बन जाए। तो ऐसी रूहानी दिनचर्या बनानी जिसमें तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आसपास हो, ऐसा अनुभव हो, बस उसी के साथ है, उसी के साथ चल रहे, खा रहे, पी रहे, सब कुछ कर रहे। जब ऐसा हमारा जीवन हो जाएगा तो ये जीवन एक बांसुरी जैसा बन जाएगा, एक वीणा जैसा, जिसे भगवान स्वयं बजाएगा, और जो ध्वनि और संगीत निकलेगा विश्व सुनेगा। The world should listen then as I am listening now, इंग्लिश कवि लिखता है। एक दिन विश्व सुनेगा जैसे मैं अब सुन रहा हूं। तो अपने आप को ऐसा पावरफुल बनाना है, ऐसा शक्तिशाली बनाना है, प्रभु प्रेमी बनाना है, उसके साथ कंबाइंड रहना, समीप रहना है, नियरनेस टू गॉड, इंटीमेसी विद गॉड, प्रॉक्सिमिटी विद गॉड, परमात्मा का सौ की सोबत, परमात्मा साथ, परमात्मा का सामीप्य अनुभव करना है। ओम शांति।